दोस्तों, होली का त्यौहार शुरू हो गया है और इस मौके पर मैंने आपके साथ अब तक होली स्पेशल पकवान मिठाइयाँ खूब शेयर की हैं, तो इस त्यौहार की एक और खास रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे लोग होली का प्रसाद भी मानते हैं, वो है भांग की ठंडाई। तो आइए बना लेते हैं दोस्तों होली का प्रसाद, भांग की ठंडाई। ये मैंने कुछ पिस्ता ले लिया है, 15-20 पिस्ते ले लिए हैं, और मैं 20-30 के आसपास यानी कि 50 ग्राम के करीब मैं इसमें बादाम लूँगी। दोस्तों, इसमें बादाम खास ड्राई फ्रूट्स होता है। ये देखिए, मैंने बादाम ले लिए हैं, 15-20 काजू ले लिए हैं मैंने, ये भी 50 ग्राम ही हैं, और ये मगज ले लिया है। मगज भी आप थोड़ा ज़्यादा अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, इसका टेस्ट भी ठंडाई में बहुत ही अच्छा होता है और वैसे भी इसका तासीर ठंडा माना जाता है। आइए दोस्तों, एक खास चीज़ और इसमें मिला देते हैं गर्मियों के लिए। ये देखिए, ये खसखस मिला दिए हैं मैंने 4 चम्मच, आप इसे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा ही करेंगे तो अच्छी बात है, गर्मियों में खसखस सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। 3-4 चम्मच हम इसमें सौंफ भी डाल देते हैं, सौंफ भी गर्मी से राहत दिलाती है और इसका तासीर भी बहुत ठंडा होता है। कुछ काली मिर्च मिला रही हूँ मैं, अगर आपके पास वाइट हैं तो बेस्ट है, वाइट साबुत मिर्च मिलाइए आप, अगर पिसी हुई हैं तो वो बाद में मिला सकते हैं। हम डालेंगे जायफल इसमें, थोड़ा सा काट कर डालेंगे क्योंकि बहुत टाइट होता है, थोड़ा मुश्किल कटता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मैं इसमें काट कर डाल दूँगी, इसकी खुशबू बड़ी लाजवाब होती है। ये देखिए, जायफल का 1/3 पार्ट मैंने चाकू से काट के इसे भी भिगो दूँगी। ये देखिए, बहुत हार्ड होता है लेकिन बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है और खुशबूदार होता है, तो इसको भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ ही भिगो देते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए हैं और इनको 8-10 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। पहले अच्छी तरह धो लेंगे क्योंकि बाद में जो हम पानी इसमें 1 कप डालेंगे भिगोने के लिए, वो इसी में डालना है, बाद में ठंडाई में ही काम आएगा, उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अभी हमें और कुछ मटेरियल भी डालना है इसमें, लेकिन वो बाद में डालेंगे, जैसे हम तैयार करते जाएंगे सारा मटेरियल हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे और इस ठंडाई को बना के हम पूरी गर्मियों इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल में भर के रखेंगे, स्टोर कर सकते हैं इसे 2 महीने तक। तो आइए 10 घंटे के बाद देखते हैं दोस्तों कैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स फूले हैं, पूरी तरह फूल चुके हैं, और अब हम इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे और यही पानी इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा पानी हम कुछ नहीं डालेंगे, उतना ही पानी हमने पहले ही इसमें डाला था जितना हमें चाहिए। ड्राई फ्रूट्स से पहले हम अपना पेस्ट बनाते हैं भांग का। ये मैंने पत्ते ले लिए हैं, एकदम ताज़े पत्ते हैं ये भांग के, कहीं भी सड़क के किनारे आपको खड़ी मिल जाएगी, आप इसको सड़क के किनारे से ले सकते हैं और इसमें काफ़ी नशा भी होता है, तो दोस्तों ये संभल कर आप पिएगा बनाइएगा। ये एक एज ए मेडिसिन भी काम आती है, आप इसे एज ए मेडिसिन काम में लेते हैं तो आपको ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसमें 1/2 कप पानी डालने के बाद इसका अच्छी तरह बारीक पेस्ट बना लीजिए, इसका ठंडाई में जो काम आएगा पेस्ट वो बहुत ही बारीक होना चाहिए और ये 2-3 दिन स्टोर भी की जा सकती है, फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की, इसे भी जल्दी से हम पेस्ट बना लेते हैं, इसका भी काफ़ी महीन पेस्ट हमें बनाना है और एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना है, इसी पानी के साथ हम इसे पीस लेंगे क्योंकि ये सब हमने अच्छी तरह धो के भिगोए थे और ये पानी जो है खुशबूदार पानी है, इसी का पानी है ड्राई फ्रूट्स का, तो इसे फेंकेंगे नहीं। तो ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड करने से पहले हम थोड़े से इसमें मटेरियल डाल देते हैं, कुछ इसमें हम गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देती हैं जो हमने भिगोते हुए नहीं डाली थी, ये भिगोते हुए डाल देते तो ताज़ी पंखुड़ियाँ ख़राब हो जाती भीग कर, इसलिए कुछ मटेरियल हमें ग्राइंड करते हुए ही डालना है और कुछ पकाते हुए भी डालेंगे। और अब मैं 7-8 डाल देती हूँ इलायची, हरी इलायची साथ में ही पीस लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने बारीक पीस लिया है और काफ़ी हमारा पेस्ट बढ़िया वाला बन गया है, ऐसा ही पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए और इतना बारीक होना चाहिए। तो आइए दोस्तों बना लेते हैं चाशनी इसके लिए, क्योंकि इसे हमें लंबे टाइम तक रखना है,
इसलिए हम दो तार की चाशनी इसमें बनाएंगे। दो कप चीनी और एक कप पानी के साथ बना लेते हैं। कुछ मैंने सैफ्रॉन डाल दिया है इसमें, ये अच्छा कलर आया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसने दिया है हमें, सैफ्रॉन का अच्छा कलर आया है। और ये चाशनी हमारी तैयार है, काफ़ी गाढ़ी चाशनी हमें बनानी है। और जो पेस्ट बनाया था हमने ड्राई फ्रूट्स का, इसमें डाल दिया है। और चाशनी का टेम्परेचर हाई होता है तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी साथ में भुन जाएंगे। और इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। अब मैं इसमें एक चम्मच शहद डाल देती हूँ और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं। दो चम्मच इसमें गुलकंद डाल देती हूँ। दोस्तों इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये तो ठंडाई की जान होती है। तो आइए गिलास तैयार कर लेते हैं। चार चम्मच पेस्ट डालें और अब इसमें भांग डाल देते हैं जो हमने पीस के रखी हुई है। ये देखिए 1/4 चम्मच ही इसमें भांग डालें, ज़्यादा ना डालें। दो चम्मच या अपने स्वाद अनुसार चीनी या बूरा डालें और ऊपर से दूध थोड़ा ऊंचाई से डालेंगे तो ये सारा मिक्स तो हो ही जाएगा लेकिन इसका टेस्ट भी शानदार हो जाएगा। ऊपर से मैंने इलायची और गुलाब के पत्तों से इसको सजा दिया है। तो दोस्तों ये थी होली की स्पेशल ठंडाई। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।